नमस्कार दोस्तों, अगर आपने इंस्टेंट लोन ऐप से लोन ले रखा है और आपकी सिम चोरी हो जाती है या आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो इस केस में आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहली बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में लगभग हर कोई इंस्टेंट लोन ऐप से लोन ले के रखता है। सबसे पहला काम आपको करना है अपनी सिम स्टॉप करा देनी है। सिम स्टॉप कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस इंस्टेंट लोन ऐप से आपने लोन ले रखा है, हो सकता है कि आपको कोई और ऑफर आए और हो सकता है उसका दुरुपयोग हो जाए। तुरंत अपनी सिम स्टॉप कराओ, नई सिम अब इशू करवाओ, जाके कॉल सेंटर में या फिर जो भी कस्टमर केयर सेंटर है वहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड ले जाओ, आपको आपकी नई सिम मिल जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि सबसे पहला काम सिम ब्लॉक का है। टेम्प्रेरी सिम ब्लॉक हो जाती है, उसके बाद नई सिम इशू हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमारी कंपनी कनेक्टिंग डॉट फिनसर्व लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। अगर आप भी अपने किसी दोस्त या रिलेटिव की लोन की फाइल हमें रेफ़र करेंगे, हम आपको 2% तक का कमीशन देते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।